Justin Diamond. Alvin. Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's. Hello there friends, welcome to your channel. और आज अपन बात करने वाले हैं 2023 लेटेस्ट मॉडल सुजुकी जिक्सर SF150 के बारे में. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर में और उसके बाजू में सिल्वर और रेड कलर में ये गाड़ी खड़ी है. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी का क्या लेटेस्ट प्राइस है, अभी क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स मिल जाता है और अपडेट्स क्या क्या है. और लास्ट में मैं इसके नेकेड सिबलिंग जिक्सर 150 के साथ एक कंपैरिजन भी करूंगा. फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट छोटा सा विंड वाइजर दिया गया है और आपको फोल्डेबल मिरर्स भी मिल जाते हैं दोनों तरफ. और फ्रंट मडगार्ड के ऊपर सुजुकी का ब्रांडिंग आप देख सकते हो. फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 266 mm का फ्रंट डिस्क मिल जाता है विथ सिंगल चैनल ABS. मैं थोड़ा सा इस गाड़ी के साइड से दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा. तो फ्रंट में जो सस्पेंशन यूज किया है सुजुकी ने वो 41 mm के है, तो काफी मोटे सस्पेंशन दिया गया है पे और बाइब्रे के कैलिपर्स मिल जाते हैं. साइड में जिक्सर SF का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और स्पेशली ये जो ब्लू कलर का पेंट स्कीम है इसमें गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है. टैंक के ऊपर सुजुकी का लोगो आप देख सकते हो और टैंक के एकदम ऊपर फ्यूल फिलिंग कैप के पास E20 का बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगा. तो ये गाड़ी अभी E20 कंप्लायंट है. बात करते हैं स्विच गियर्स की, तो यहाँ पे स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है अच्छी है. राइट साइड में सेल्फ का बटन और इंजन किल स्विच, लेफ्ट साइड में अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है. सीट की अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको स्टेप अप स्प्लिट सीट मिल जाता है. राइडर और पिलियन सीट का जो कंफर्ट है, जो कुशनिंग है, वो मीडियम साइड पे रखा गया है. ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है तो उस हिसाब से सीट का डिजाइन किया गया है यहाँ पे. गाड़ी की एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, जो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है इस सेगमेंट के हिसाब से. और अभी बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में. तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve SOHC एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 13.6 PS ऑफ मैक्स पावर एट 8000 RPM एंड 13.8 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क एट 6000 RPM कपल्ड विद अ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स. इस इंजन से आप तकरीबन 45-50 kmpl का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपके राइडिंग कंडीशन और राइडिंग स्टाइल पे वो डिपेंड करता है बेसिकली. गाड़ी की रियर सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है पीछे, जो कि स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छी बात है. और बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म देखने को मिलता है इस गाड़ी के साथ, जो इसके प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है. प्राइस मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ. और 140/60 R17 सेक्शन का रेडियल रियर टायर मिल जाता है यहाँ पे. काफी चौड़ा टायर दिया गया है आप देख सकते हो. और साइड में साड़ी गार्ड मिल जाता है, जैसे कि इंडियन बाइक इंडस्ट्री में नॉर्म्स है. और पीछे का टेल लैंप LED में दिया गया है. साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बट इंडिकेटर स्टिल आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलता है. रियर टायर के ऊपर आपको रियर मार्ट फ्लैपर भी मिलता है यहाँ पे. इस गाड़ी के पिलियन फुटपेक्स आपको एल्यूमिनियम में मिल जाता है और आप देख सकते हो राइडर फुटपेक्स रबर ग्रिप के साथ मिल जाता है. इसके क्वालिटी भी अच्छा है. इस गाड़ी के साथ आपको डबल स्टैंड भी मिलने वाला है. ऑल दो इट्स अ फुल फेड स्पोर्ट्स बाइक, तो एक अच्छी चीज है इस सेगमेंट वाइज. और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ ये गाड़ी आता है. यहाँ से आप पीछे का सीट को ओपन कर सकते हो और टूल्स वगैरह छोटे मोटे चीजों को रख सकते हो. पीछे ग्रैब रेल्स आप देख सकते हो, अच्छे खासे क्वालिटी के दिया गया है मेटल के. अच्छी बात है कि इस गाड़ी का टैंक जो है वो डुअल कलर टोन फिनिशिंग के साथ आता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. ब्लू एंड ब्लैक में उधर और इधर रेड एंड सिल्वर में. मैं ये वाला गाड़ी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ. पीछे आ जाते हैं तो आप देख सकते हो रियर टायर हगर मिल जाता है और 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन पीछे ABS का यूनिट नहीं दिया गया है. बाइब्रे के कैलिपर्स मिल जाता है पीछे. अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हो इसका इनिशियल सीक्वेंस कुछ इस तरह का रहने वाला है. गो करके लिखा हुआ आता है. और आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसका जो टोटल इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा डिस्प्ले के राइट साइड के तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो जगह बच रहा है यहाँ पे, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो फीचर्स आता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एटसेट्रा, वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा. और इग्निशन के ऑन होने के साथ साथ इसका फ्रंट एंड रियर लाइट भी जलना चालू हो जाता है. तो आप देख सकते हो सामने से काफी खूबसूरत लग रहा है. क्राउन शेप के अंदर इसका फुल LED हेडलाइट सेटअप आता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव एंड यूनिक एक लुक के साथ आता है ये गाड़ी. थोड़ा सा कंसोल को भी देख लेते हैं अभी. तो इस तरह का इसका कुछ लुक आ रहा है. और यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लच ही मिलने वाला है और पीछे
टेल लैम्प की अगर बात करें तो एलईडी में टेल लैम्प दिया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सुजुकी के लाइनअप में अभी जितने भी गाड़ी आ रहा है मैक्सिमम सभी में यही डिस्प्ले यूज़ किया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है और साइड व्यू मिरर्स का विजिबिलिटी आप देख सकते हो ठीक ठाक है। इस गाड़ी के साथ आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है। और अगर टैंक के शेप की बात करें तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का जो शेप होता है टैंक का, जिसके नीचे आप अपने नीज को टक इन कर सकते हो प्रॉपरली, वैसा ही टैंक दिया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो कोलकाता में अभी इस गाड़ी का एक्सट्रोम कीमत है 1,48,361 रुपीज़। अच्छी चीज़ है कि सुजुकी ने कलर ऑप्शंस के साथ प्राइसिंग का कोई डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं किया हुआ है, जो बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं प्राइसिंग चेंज हो जाता है आप अगर कलर ऑप्शन को चेंज करते हो उस हिसाब से, लेकिन सुजुकी के साथ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। आप ये ब्लू वाला उठा लो या रेड एंड सिल्वर वाला भी आप देख सकते हो, या इसका एक और ब्लैक कलर भी आता है जिसका रिव्यू मैंने किया था पिछले वीडियो में। तो कोई भी कलर ऑप्शन आप चूज कर लो लेकिन प्राइसिंग सेम रहने वाला है, प्राइसिंग के अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं है। इस गाड़ी का कार्बोवेट है 148 kg, सो काफ़ी लाइट वेट मशीन है। आप देख सकते हो कि फुल फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद इस गाड़ी का जो कार्बोवेट है ओवरऑल वो थोड़ा सा कम रखा गया है। इस गाड़ी में सीट हाइट आपको मिल जाता है 795 mm का, तो मीडियम और शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आता है, तो कंसिडरेबली फुल फेयर्ड कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक है, आप आसानी से कोई भी स्पीड ब्रेकर को डॉज कर सकोगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नेकेड सिबलिंग जिक्सर 150 के बारे में जो बाजू में ही खड़ा हुआ है, और जो पेंट स्कीम आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर का है, तो ये सेम पेंट स्कीम आपको जिक्सर SF 150 में भी मिल जाएगा जो कि मैं इसके पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो देख सकते हो। और बेसिकली दोनों गाड़ी सेम है, जिक्सर SF एंड जिक्सर 150 नेकेड वाला, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो क्विकली मैं कवर कर देता हूँ। टैंक तक आप देखोगे तो डिजाइन वाइज सेम आपको मिलेगा, टैंक के आगे आप देख सकते हो कि दोनों तरफ टैंक श्राउड निकाला गया है, पीछे का सेक्शन भी सेम है, LED यूनिट मिल जाता है विथ हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको एक मड फ्लैपर टाइप का डिजाइन भी मिल जाता है जो टेल लैम्प को प्रोटेक्ट करता है डस्ट एंड मड से। आगे का टैंक का डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम है, लेकिन टैंक श्राउड है दोनों तरफ। इंजन वाइज भी दोनों गाड़ी बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने आपको जिक्सर SF 155 में अभी दिखाया, टैंक का शेप आप नोटिस करो वो भी आइडेंटिकल है दोनों गाड़ी में, यहाँ पे SF और यहाँ पे नेकेड वाला। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके इस नेकेड वर्जन में भी मिल जाता है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट हैंडल बार मिलने वाला है, देख सकते हो टेल लैम्प एग्जैक्टली सेम है। इस गाड़ी के साथ आपको स्ट्रेट पाइप हैंडल बार मिलने वाला है, और जो लाइट सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है दोनों गाड़ी के अंदर, क्योंकि जिक्सर ऐसे फुल फैट कैटेगरी का गाड़ी है तो इसका हेडलैम्प फ्लैट है, और नेकेड वाला का थोड़ा सा टॉल हेडलैम्प जैसे कि नेकेड स्ट्रीट फाइटर्स में होता है ऐसा डिजाइन का दिया गया है। नेकेड वाले में हेडलाइट के ऊपर आपका नंबर प्लेट होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट फिट होगा, और आप देख सकते हो मडगार्ड के ऊपर सेम सुजुकी का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। सामने 41 mm का टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है, जिक्सर का ब्रांडिंग आप टैंक श्राउड के ऊपर देख सकते हो, और ब्लैक के ऊपर नियॉन कलर में जो AG एक डिज़ाइन दिया गया है एक्स फ्रंट में वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। गाड़ी का जो रिफ्लेक्टर्स है वो हेलोजन में ही आता है स्टिल। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा बेटर होगा नेचुरली, क्योंकि ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन के साथ आता है एज अपोज टू द फुल फेयर डिज़ाइन इन द जिक्सर SF 150, और रेडिएटर टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, सिंगल हॉर्न मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन दोनों ही गाड़ी एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फ्रंट टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो दोनों गाड़ी में ही 100x80 17 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर के साथ दोनों गाड़ी ही अवेलेबल है। जिक्सर 150 एक नेकेड बाइक है तो इसका कार्बोवेट SF 150 से 4 kg लेस है, मतलब 141 kg के कार्बोरेट के साथ ये गाड़ी आता है। कीमत की अगर बात करें तो जिक्सर 150 नेकेड वर्जन का कोलकाता में एक्सट्रोम कीमत है 1,43,362 रुपीज़, मतलब इसका जो SF वाला वर्जन है फुल फैट कैटेगरी में उससे इसका जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है एक्सट्रोम कीमत में वो 4,999 का है, मतलब 4,999 रुपये
आपको ज्यादा पे करना पड़ा है एक शोरूम कीमत के अंदर अगर आप SF वर्जन में जाते हो तो। अब बात कर लेते हैं वर्डिट के बारे में कि कौन सा बाइक किसको खरीदना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक अपराइट सीटिंग पोस्टर वाला नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक ढूंढ रहे हो 150cc कैटेगरी के अंदर, जो अच्छा माइलेज दे सके, डे टू डे राइड में आपके साथ दे सके, आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में जा रहे हो, डे टू डे राइड में आपको नेसेसरी है, जहां पे कंफर्टेबल सीटिंग पोस्टर का बहुत नीड होता है, तो आप जिक्सर 150 नेकेड वर्जन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्टर पसंद है, स्पोर्टी लुक्स पसंद है, और अगर आप वीकेंड राइड करते हो 150cc कैटेगरी के अंदर फुल फेयर सेगमेंट में अंडर 2 लाख रुपीज में कोई बाइक ढूंढ रहे हो, तो जिक्सर SF150 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।